पीजीआर की स्प्रे को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट है, और जो मौसम चल रहा है यहाँ की स्थिति से मुझे भी डर है। इतना टेम्परेचर डाउन है, जो उपयुक्त टेम्परेचर होगा वो 18 से लेकर 22 से 23 डिग्री तक फूल फ्लोरिंग के समय होना चाहिए। अगर उससे डाउन रहा तो आपके पाला आपको डैमेज करेगा। तो याद करिए बागवान साथियों, मैंने आपको क्या कहा था, हमने आपको हमेशा अवेयर करा था कि अपने छींटे मत जलाइए। अगर आप लोगों को इतना ही शौक है छींटे जलाने का, तो अपने छींटों को कलेक्ट करके रखते आज अगर आप, तो जब भी आपकी फ्लोरिंग का समय होता उस टाइम आप मॉर्निंग के समय में लगभग तीन चार बजे के करीब अगर आप उसको जलाते उन छींटों को, तो शायद टेम्परेचर में फर्क पड़ता और आपकी सेटिंग की संभावना ज्यादा हो जाती है। हमें सीखने की जरूरत है बागवान साथी, अगर आपको जलाना है वैसे तो कंपोस्ट करके उसकी खाद बनानी चाहिए। अगर फिर भी आप बर्न करते हैं तो आजकल का समय, आजकल का तो नहीं कहूंगा, जब फ्लोरिंग फुल हो जाएगी आपकी लगभग 40% से ऊपर तब आप उसको जला सकते थे, जिससे टेम्परेचर गर्म रहता और आपको भी फायदा होता। आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने छींटों को स्टोर रखना है, या तो खाद बनाइए या तो आजकल उसको बर्न करिए। विदेशों में आप देखेंगे कि गैस लाइन बिछी होती है और गैस जलाते और मॉर्निंग के टाइम में, ताकि पाले से बचा सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको देखना होगा। और इसके साथ साथ बागवान साथियों, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि पीजीआर की स्प्रे आप फिर कैसे करेंगे। अगर आपका मौसम खराब है और बहुत ठंडा है, टेम्परेचर डाउन है और पाले पड़ने की संभावना है, अगर आपके 40% से 60% के आसपास कहीं पर भी आपके अगर फ्लावरिंग है, उस समय आप उसी डोज को तोड़ दीजिए। 250 ml का जो डोज है उसको आप 125 ml का स्प्रे कर दीजिए। और जो पीजीआर की स्प्रे करने का सबसे अच्छा समय है वो लेट इवनिंग है। आप अगर 5 बजे के बाद स्प्रे कर सकते हैं तो सबसे अच्छा समय रहेगा। और अगर आपका बगीचा बड़ा है, कई बागवानों का बहुत बड़े बगीचे होते हैं, वो मैनेज नहीं हो पाते, तो आप 2 स्प्रेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में करें तो आपको और अच्छे परिणाम मिलेंगे पीजीआर के। क्योंकि जब आपका पड़ोसी भी जागेगा, आप चाहे जितने भी जागृत हो, अगर पड़ोसी भी नहीं जागेगा तो बीमारियां भी वहां से आएगी। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। सबको जागृत करना, अपने पड़ोसी को भी जागृत करना है, बहुत सारी बीमारियां तो वहां से आती है। अगर वही जागृत नहीं होगा, आप चाहे जो मर्जी करते रहे, वुलिया फिट भी वहां से आएगा, आपका माइट भी वहां से आएगी, पतझड़ भी वहां से आएगा, स्कैब भी वहां से आएगा, जो भी चीजें आएगी, प्रीमेच्योर लीफ फॉल आएगा, अल्टरनेरिया आएगा, सब कुछ आएगा। तो इसीलिए सबका जागृत होना बड़ा जरूरी है साथियों। ये बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जिसको आप करें। और दूसरी एप्लीकेशन जब आप पीजीआर की करेंगे, तब तक आपके 90% के करीब जब फूल आ चुके होंगे, तब आप 125 ml का डोज फिर से दोबारा डालें। अगर हमारा मौसम बढ़िया रहता है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं रहती, अभी बारिश होने दो, अभी तो है समय हमारे पास, अगर उस वक्त बढ़िया सिचुएशन है, पाले की संभावना कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर 250 ml का डोज 70-80% के आसपास जब फूल आएगा वहां पर डाल। आपको उसके अंदर स्प्रेडर डालने की जरूरत नहीं है, स्टिकर ऐड करने की जरूरत नहीं, उसमें ऑलरेडी स्टिकर होते हैं पड़े हुए। तो आप इन चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि